जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। घर में छुपी बुरी शक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर भगा देता है ये। आइए जानते हैं इसके बारे में। सनातन संस्कृति में महर्षियों अनुसार जिस घर में खड़ा नमक बंधा होता है उस घर में बरकरार भी खड़ी होती है। नमक रहित भोजन अच्छे से अच्छे भोजन को बेस्वाद कर देता है। बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि घर में नमक से ही बरकत आती है और सुख समृद्धि का वास होता है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता, इससे घर में अपशगुन होने का संकेत मिलता है। खड़े साबुत नमक में बहुत से प्राकृतिक गुण विद्यमान होते हैं जिससे ये घर में छुपी बुरी शक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर भगा देते हैं। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक या समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। बाथरूम भूलकर भी नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में ना हो, हमेशा दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर, पश्चिम में टॉयलेट की सीट पर पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट दरदरा नमक भर कर रखे। 15 दिन के बाद इसे बदल दे। सबसे पहले तो आप इसे टॉयलेट के सिंक में डाल दे। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोरिंग लाइन का फोटो पेस्ट कर दे। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक ग्लास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोनों में रख दे और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दे। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दे। नमक में अद्भुत शक्तियां होती हैं जो सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर देती है। इसके अलावा इससे घर आई दरिद्रता का भी नाश होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। परिवार के सभी सदस्यों के विचार सकारात्मक होंगे जिससे उनका मन कार्य में लगा रहेगा, असफलताओं का दौर समाप्त हो जाएगा और सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।